नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावेदार क्षेत्र में उतार दिए हैं। तो वहीं आज हम मौजूद हैं आगरा की महा विधानसभा में। ये आगरा की महा विधानसभा वो विधानसभा है जहां पर भाजपा का वर्चस्व माना जाता है। यहां एक विधायक है जो राजा भदावर के नाम से है, उनका यहाँ वर्चस्व माना जाता है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पंडित बैसो शर्मा को यहाँ उतारा है, मैदान में उतारा है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पर मनोज दीक्षित को यहाँ प्रत्याशी बना के उतारा है। तो यह हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है, किसकी तरफ रुझान है, किसको वो इस बार उत्तर प्रदेश के मुखिया की चाबी देने के लिए भेजेंगे यहाँ से। क्या नाम भैया आपका? पप्पू उपाध्याय। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ जो रुख है जनता का, किसको यहाँ से विधानसभा के लिए भेजा जाएगा? यहाँ से समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा, मसूदन शर्मा जी विधायक बनेंगे, ये जनता का रुख है यहाँ पर। यहाँ भाजपा से जो मौजूदा विधायक हैं अभी रानी पच्छालिका, उनका वर्चस्व अच्छा है यार, उस पर क्या कहना चाहेंगे? रानी पच्छालिका सिंह का वर्चस्व था, लेकिन सजातीय वोटों में इस समय बहुत ज़बरदस्त विरोध है उनका, ठाकुर समाज में भी विरोध है उनका। जो 2017 में 80,000 वोट मिले थे उनके, उसमें बहुत गिरावट आई है। मसूदन शर्मा इस समय मौजूदा स्थिति में बहुत मजबूत स्थिति में। तो समाजवादी पार्टी क्यों कांग्रेस से मनोज दीक्षित भी हैं यहाँ? नहीं, चुनाव यहाँ पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ही होगा, कांग्रेस फाइट में नहीं है? नहीं है, कहीं भी फाइट में नहीं है। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है इसके अंदर। क्या नाम भैया आपका? नाम श्याम सुंदर है मेरा नाम, श्याम सुंदर। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम तो मसूदन शर्मा के आदमी। सपा के साथ हुआ? सपा के साथ। राजा के साथ नहीं है? बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं नहीं, हम पहले तो कहूँ रही ना, तो राजा संघ का नए कंधे आई साइकिल, ब्राह्मण आग को ताई में देंगे, हम तो कुछ कहते आई है। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है, कि वो किसको यहाँ से विधानसभा पहुँचाएंगे। क्या नाम भैया आपका? रिंकू पचौरी। इस बार विधानसभा से, यहाँ से विधानसभा चुनाव जो है उसमें किसको भेजेंगे विधानसभा के लिए? विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी। फिर यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं जो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फाइट में, बता रहे हैं कि सपा फाइट में आगे है, आप बता रहे हैं भाजपा? नहीं, भाजपा ने पिछले चुनाव में 2017 के में 80,000 वोट लिया था महारानी पच्छालिका सिंह ने, इस बार 1,00,000 प्लस जाएंगी। जो एक वोट का जीत प्रतिशत है वो 50,000 प्लस जाएगा उसकी बार। तो भाजपा का जो वोट है व्यक्तिगत वोट जाएगा या विकास पे वोट जाएगा? भाजपा का व्यक्तिगत प्लस विकास दोनों के लिए वोट जाएगा। ये महारानी भदावर ने मतलब विधानसभा और प्लस योगी जी से जाके कहीं इस गांव की सड़क बनवाना, कहीं इधर की, मतलब अभी तक के इतिहास में इतना तेज तर्रार नेता विधानसभा को नहीं मिला है। इनका कहना है कि भाजपा ने यह विकास कराया इसलिए भाजपा को वोट। भाजपा का विकास कहीं भी, जो 2007 से 2012 में जो सीमा उपाध्याय जी वर्तमान में सांसद थी उस टाइम, मसूदन शर्मा जी विधायक थे, उसके बाद में कोई भी विकास की पट्टिका हो इनके पास तो दिखाएं कि कहां पे विकास हुआ है, कौन सी सड़क बनी है, कौन सा विद्युत उपकेंद्र बना है, कौन सा नया काम हुआ है। ये माना जाए कि केवल जो वोट है व्यक्तिगत वोट है? जी, वो रानी पच्छालिका सिंह का व्यक्तिगत वोट है, हर समाज से उनका वोट नहीं है, जो वोट है उनका व्यक्तिगत वोट है। मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है इस बार किसको विधानसभा में पहुँचाएंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए, 10 तारीख को वोटिंग है अपने यहाँ पर, तो किसको यहाँ से विधानसभा पहुँचाएंगे आप? हम मधुसूदन शर्मा देंगे। मसूद शर्मा को क्यों, भाजपा ने विकास नहीं कराया क्या? ना करो, बिल्कुल ना करो भाई। कौन बरादरी? जाटव। आप जाटव से आते, जाट समाज से हैं, तो बहन जी को नहीं? नहीं नहीं।
हम देंगे मधुसूदन शर्मा व्यक्तिगत व्यवहार है ना उनका। बाकी लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने विकास कराया है, सड़कें बनवाई हैं। कराया होगा हमारे यहाँ तो उन्होंने थोड़े कराया है, घोटू घोटू खरंजा पानी भरा हुआ है यहाँ। ये इन लोगों का ये कहना है कि वहाँ घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है भाजपा में। कहाँ पे भरा हुआ, किस जगह पे विधानसभा में कहाँ पे घुटने घुटने पानी भरा हुआ है? ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कौन सी विधानसभा में? बाह विधानसभा में। कौन सी जगह पर? हुसैनपुरा गांव में। मैं छोटी एक सामने जो आपको बस स्टैंड दिख रहा है, इसमें पहले मतलब जल भराव की स्थिति रहती थी, लेकिन अरे पहले जल भराव की स्थिति रहती थी, लेकिन इस समय यहाँ पर काफी भराव कराया गया और इसका टेंडर भी शायद पास हुआ है। मतलब अभी हाल ही में ऐसा टेंडर पास हुआ है? नहीं, 5-6 महीने हो गए इसका टेंडर पास हुआ है, अभी काम नहीं इसमें लगा हुआ है। मतलब 4 साल तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, अब जो चुनाव आए तब इसका टेंडर पास हो गया। चुनाव के टाइम पर टेंडर पास हो गया? चुनाव के टाइम में नहीं, चुनाव से 6 महीने पहले। मेरे साथ एक भाई और है, इनसे भी जान लेते हैं इनकी क्या राय है। क्या नाम भाई आपका? विजय सिंह राणा, जिला महासचिव पिछड़ा वर्ग, जिला कांग्रेस कमेटी आगरा, विधानसभा चौराहा। आप तो निश्चित है कांग्रेस को वोट देंगे? जी सर। यहाँ से मनोज दीक्षित भी फाइट में हैं? बिल्कुल सर। क्या आसार है आपको जीत के? हम पूरी संघर्ष में होंगे, संघर्ष के अंदर रहेंगे हम। जीत दर्ज कर लेंगे? जीत दर्ज करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन संघर्ष से हम बाहर नहीं है। राजा जी के सामने खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल। राजा ने किया क्या यहाँ विकास कार्य में? क्या किया राजा ने अभी तक बताइए आप? लोग बता रहे तमाम विकास कार्य करा दिए हैं। ना कौन से विकास कार्य कराए? जो पहले हमें जो सिलेंडर था, हम जो 250-300 रुपए में खरीद रहे, आज हमको 1000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। बताइए, कानून व्यवस्था का आप देख लीजिए, पुलिस में खाद में आ जाइए, सारा घोटाला और जो ब्लैकिंग, ये क्या है जी, आप बताइए। भाजपा सरकार कहती है जितनी महंगाई आ रही है वो देश हित में। मगर महंगाई आ रही है देश हित में क्यों है? वो तो देश गड्ढे में जा रहा है महंगाई से, सारे लोग परेशान हैं, मजदूर किसान सब परेशान हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये बता रहे हैं भाजपा आई है तब से महंगाई बढ़ी है। कहाँ से महंगाई बढ़ी हुई है? 2.5 लाख रुपए के आवास दिए भाजपा ने, अपने घर से थोड़ी दे दिए आवास। ये आवास जी सर, ये तो ये कोई नहीं थे, पहले कम पैसे का था, अब ये ज्यादा पैसे का है। और आवास जो लोगों को मिले हैं, वास्तव में ऐसे लोगों को आवास मिलने चाहिए जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनको आवास नहीं मिले। आपका कहना है योजना पहले भी थी लोहिया आवास योजना, कासिरा आवास योजना थी, पहले भी थी। नहीं, आवास योजना पहले थी, लेकिन इन्हें लागू नहीं कर पाई उस योजना को। नहीं, लोहिया आवास के समय पार्टी आवास बने थे, कासिराम योजना में बने थे, बसपा में बने थे। बसपा में बने थे, लेकिन बसपा में बने हुए वो शहरी आवास बनाए थे, ग्रामीण में कहाँ दिए थे? आप किसी भी मतलब जनपद में चले जाइए, उस सिटी लेवल पे आपको मिल जाएंगे, बाहर कहाँ मिलेंगे आप? चलो मैं इटावा में दिखा दूँ, आगरा में दिखा दूँ, जो मायावती ने शौचालय भी दिए गए ना जी सर। ये सारी देन कांग्रेस शासन में हुई है, उसी पर से चल रही है। शौचालय पहले भी बनवाए जाते थे, आवास पहले भी बनवाए जाते थे, पहले कम पैसे के थे, आज ज्यादा पैसे के। इनने कोई नया काम नहीं किया है। राशन भी तो फ्री कर दिया। राशन फ्री क्यों कर दिया? जो हमें 250 रुपए का हम सिलेंडर खरीदते थे, वो आज हमको 1000 रुपए में खरीदना पड़ा है। मियाँ की जूती मियाँ के साथ, ये क्या तरीका है? वो देश हित में महंगाई बढ़ाई है। बिल्कुल, महंगाई देश हित में क्यों है? इससे तो देश गड्ढे में जा रहा है भाई। महंगाई पूरी तरह से चरम सीमा पे, किसान मजदूर सारे लोग परेशान है सरकार से। जितनी जल्दी सरकार जाए उतना ही जल्दी बढ़िया है। बिजली की कीमत आधी कर दी? अरे साहब बिल्कुल नहीं है, उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं, कोई आधी नहीं है। कहने को जे बीजेपी वाले लोग कुछ भी कहे, हिलनाए चिल्लाए, ये झूठ बोलते हैं ज्यादातर। बहुत नाराज है बीजेपी से। पहले एक मजदूर 400 रुपए कमा के लेके आता था, और उसके बाद उसको राशन की व्यवस्था नहीं थी। भाजपा सरकार ने राशन की व्यवस्था की, शौचालय की व्यवस्था की, और 2.5 लाख रुपए दे के इनको मकान की व्यवस्था की। इससे पहले किसी भी सरकार ने इनको दिया मकान? अरे दिया तो कागजों में दिया, इनके पास कुछ मिला? इनके पास था किसी भी पार्टी ने, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो, किसी भी पार्टी ने मकान दिए इनको रहने के लिए? इनका कहना है कि शौचालय भी दिए, आवास भी दिए। मैं बताऊँ, शौचालय पहले का और सरकार ने दे ना बने नहीं अभी तक। तुमने तो एक नए फार्मूले चलाया लूट में को बीजेपी वाले ने। आवाज तो पहले आवाज मिले नहीं पहले,
अब आवाज कितने मिल गए हैं? 50,000 रुपए दे दे प्रधान है तब इन तो आवास। अब पहले तो मैं फ्री मिल तो जब बीजेपी में 50,000 प्रधान लेते हैं 15,000 ब्लॉक में जाते हैं तो 1.5 लाख 1 लाख 40,000। इस समय हम बांका जो बस स्टैंड है उसके सामने खड़े हैं। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि सामने बस स्टैंड की जो स्थिति है जरा उसको दिखा दें कि ये सड़क जिसका अभी जो बताया गया है कि 4-5 महीने पहले टेंडर हो गया है, लेकिन स्थिति 4 साल में जो स्थिति रही है वो क्या रही है और जो सड़क बनी हुई है सड़क की स्थिति भी आपके सामने है। भाजपा तो ये कह रही है हमने सारा विकास कराया। भाजपा का विकास आपको धरातल पे दिखाई दे रहा होगा, ये सामने ही दिखा दो। भाजपा का विकास है, ये मेन रोड है, आगरा नेशनल हाईवे बोलते हैं इसको, NH2 है ये। पीछे देख लो कीचड़ हो रहा है, अगर बच्चे यहाँ से बस में चढ़ेंगे तुरंत कीचड़ में गिरेंगे। बगल में दिखा दो ना पीछे ही, और ये बस स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है, धरातल पे विकास दिखाई देता है। किसको पहुँचाएंगे विधानसभा? हम तो मधुसूदन शर्मा को विधानसभा पहुँचाएंगे। 2007 से 2012 तक का जो विकास हुआ है अभी तक किसी पार्टी ने 50 साल में भी नहीं कराया। वहाँ की जनता ये खड़ी है। मेरे साथ और भी भाई है, इनसे जान लेता हूँ। आप युवा हो तो आपको भाजपा सरकार में नौकरी मिली नहीं? 2007 से 2012 किसको आप इस बार चुनाव में? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसका विकास दिख रहा है ना हमको। ये रोड उनकी देन है। वो महाराज सिंह ने हमारे राज्य में चित्रहाट में क्या किया? अभी तक तो कुछ विकास नहीं हुआ। चित्रहाट का बहुत विकास हो जाता पिछले 5 सालों में, कोई विकास नहीं हुआ है। हमें तो दिखा नहीं है। भाजपा के मुख्यमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मतलब सारा विकास करा दिया। कहने को मैं भी कह दूंगा, कहने से कुछ नहीं होता, दिखाना पड़ता। जब दिखाओगे तभी तो होगा। ये भैया बोल रहे हैं कि लखनऊ से बैठे बैठे ही फीता काटने का काम करती है भाजपा। नहीं, बैठे बैठे तो भाई डिजिटल है तो लखनऊ से क्या, शायद दिल्ली से काटो। मैं इनको बात तहसील के विकास की बता दूं, शंभुनाथ स्वास्थ्य केंद्र जो कि पूर्व में विधायक रहे अमरचंद शर्मा जी के द्वारा, और डिपो अमरचंद शर्मा जी के द्वारा, और ये बस स्टैंड अमरचंद सर, बसपा ने और सपा ने क्या कार्य दिया है इस बात को पता? सपा ने क्या काम किया है? बसपा ने मानकपुरा पिनाट में 232 केवीए का एक सब स्टेशन बनवाया, 9 सब स्टेशन छोटे 33/11 के बनवाए, पिनाट राजाखेड़ा मार्ग बनवाया बसपा ने। पिनाट में मधुसूदन शर्मा जी ने ITI कॉलेज बनवाया चिचिया पे। जितने भी विकास कार्य हुए जो बसपा सरकार में हुए, भाजपा सरकार में 1300 वाली ढाई 1800 की बिकी, वो भी उन्हीं लोगों को ढाई डिपो से मिली, रैंक लगती थी, जो विधायक के नज़दीक थे उन्हीं दुकानदारों के मिली, उन्होंने जनता का भरपूर शोषण किया। जो यूरिया 270 की रेट से आता है वो 400 रुपए में बिका यूरिया, किसानों का बहुत शोषण हुआ है। इन्होंने पिछले सरकारों का कार्यकाल, इन्हें बताया कि जैसे ITI चचिया, ये पूर्व में विधायक अमरचंद शर्मा जी ने ITI चौरंगाहार को इनको इनने ट्रांसफर करके ITI चचिया दे दिया ना, कि इनने वहाँ स्वयं नया ITI निर्माण कराया। नए 5 काम बता दीजिए भाजपा ने जो वापस किए। तो जो नए काम, एक तो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जो केंद्र की योजना वो लागू हुए प्रदेश में, हर स्टेट में लागू हुए। एक लोकली तहसील इस भाव में नहीं, हर स्टेट में लागू हुए। और कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से गरीब लोगों को राशन और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया था कोरोना काल में, किसको ऑक्सीजन नहीं मिला था? कितनी मौतें हुई थी? अरे मौतें हुई थी भाई, इंडियन 97 नंबर पे आता है मेडिकल में। मैं नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव कहते हैं ऑक्सीजन की जगह ऑक्स छोड़ दिए थे, सांड छोड़ दिए रोड पे। इंडियन 97 नंबर पे आता है मेडिकल के नंबर में, और सबसे पहले वैक्सीन बना के इंडिया ने तैयार की। अभी मैंने यहाँ पर पास में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो देखा था, उसकी हालत बुरी है, कोई पेशेंट भी नहीं है, कोई भी डॉक्टर भी नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इधर नहीं, इधर है शंभुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसकी दीवार में पुताई तक नहीं है। दीवार पे पुताई से पेशेंट क्या क्या मतलब? बाहर की हालत इतनी जर्जर है, अंदर क्या स्थिति होगी? चलो आओ मैं खुद चल के देखता हूँ।
अरे मैं गया हूँ, आपने क्या कैसे दिया कि पता ही नहीं है, रेंटिंग पेंटिंग नहीं है, आपने क्या कैसे दिया? आपके पास कोई वीडियो है? सरकारी वाला? अरे आपके पास कोई वीडियो है? अरे आप वीडियो दिखाइए मेरे को, दिखाइए मेरे को, अरे मेरे को दिखा दीजिए वीडियो, आपके आपके पास वीडियो हो तो दीवालों पे भी पता ही नहीं है। अरे आप मेरे को दिखा दीजिए वीडियो। ये भाई हो रहा है, ये बता रहे हैं उस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जो हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, तो इसका मतलब विकास कार्य नहीं हुआ कोई? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ, ना पुताई हुई ना कुछ हुई, निकल समाजवादी सरकार में उसको बनाया गया, लेकिन उसके बाद में इसके ऊपर कोई विकास कार्य नहीं होगा, ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, समाजवादी सरकार में हुआ है, उसके बाद कोई विकास कार्य उसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हुआ। क्यों नहीं किया गया? समाज सरकार ने बनाया इस वजह से? अपने उसका कुछ अपनी कंडीशन होगी, हम आपको बताएं। मेरे साथ एक भाई हो रहे हैं, वो मजदूर तकवे के आदमी हैं, उनसे जान लेता हूँ कि वो इस सरकार से कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद है। भाजपा सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? भाई साहब, भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और कुछ बकान करने के लिए बाकी बचा ही नहीं है। किसानों को बहुत अच्छी, और गरीबों को गल्ला मिलता ही नहीं है। फ्री राशन मिल रहा है ना? फ्री राशन मिल रहा है ना? अरे नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड ही नहीं बना है तो कहाँ से मिलेगा, आप बताइए। अप्लाई किया था आपने? खूब किया, 5 साल चप्पल गिटते गिटते ऑफिस में मर गए हम। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया है, आप धन्यवाद मोदी को, योगी को बहुत 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 धन्यवाद। आप कितनी फिर देंगे साहब योगी को, मोदी को? अच्छा, ज्यादा नाराज हैं आप? ज्यादा नहीं, बहुत खुश हैं हम कि ऐसे ऐसे हम अमीर हैं, इसलिए हमको गल्ला नहीं मिल रहा है, इसलिए हम खुश हैं। भाजपा सरकार में राशन नहीं मिल रहा है, बताइए। भाजपा सरकार में अमीरों को राशन मिलता है? यहाँ पे मुद्दा भाजपा और समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। विकास में आप देख ही रहे हैं, डाई यूरिया की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, और लोग परेशान हैं। केवल इन्होंने 2017 के चुनाव में अटल जी की अस्थियों को बटेश्वर में ला के प्रवाहित करने का काम किया है, लेकिन अटल जी के नाम से आज तक कोई भी काम नहीं हुआ बटेश्वर में। जिला बना रहे ना? नहीं, अरे जिला उनके नाम पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। और जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय ये राजा साहब बीजेपी में ही थे, जब बटेश्वर में सभा हुई थी तो उनके कुर्सी पर से खड़े नहीं हुए थे माला डालने तक। आज योगी जी आए तो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो आज जनता ने इन्हें बता दिया है कि तुम्हारा विरोध शुरू हो गया है, कि अब जनता के पीछे लग जाओ। एक दिन वो भी था कि अटल जी के इन्होंने माला नहीं डाली थी, ब्राह्मण समाज का अपमान किया था इन्होंने। हमारे साथ एक युवा साथी हो रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या मूड है इस बार। क्या मूड है आपका इस बार? सपा यार, सपा। क्यों सर? विकास, शिक्षा, रोजगार सब बीजेपी सपा से मिला है मुझे। बीजेपी में विकास, भाजपा में विकास नहीं है, भाजपा में रोजगार नहीं है? रोजगार कहाँ है बताओ? भाजपा कहती है हमने रोजगार दिया विकास। भाजपा कहती है कि आप, ये लोग कहते हैं कि फ्री अनाज, हमें फ्री अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो ना। हम चाहते नहीं है फ्री अनाज दो, मुझे रोजगार दो। अगर 5 किलो चावल और उससे क्या हो रहा है, एक बात बताओ मुझे, रोजगार दो ना उसकी जगह। रोजगार भी तो दिए गए हैं, रोजगार दिए गए कहाँ है बताओ? रोजगार आप बताओ मुझे, रोजगार आप तो पत्रकार है ना, बताओ कोई रोजगार। एक वैकेंसी निकाली भर्ती की, वो बताओ। भाजपा का ये कहना है, जो भाजपा का ये कहना है कि जो हमने घोषणा पत्र हमारा जो होता, हमने उसकी सारी बातें जो थी उसके अंदर सारी पूरी की। कहाँ पे पूरी हुई है सर आप बताओ मुझे? पिछड़ा वर्ग की जो भी पिछली जो 69,000 वैकेंसी भर्ती हुई थी, ठीक है ना, मास्टर की, उसमें पिछड़े वर्ग को सबसे कम वैकेंसी थी, वहाँ पे घोटाला किया। तभी देखो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए कि नहीं आए, वहाँ से भी पिछड़ा वर्ग को कहाँ हुआ है बताओ आप? वो अलग बात है, राजनीति है ये तो, आना जाना लगा रहता है। आरक्षण तो बराबर है ना, आरक्षण के हिसाब से दीजिए ना, कोटा तो आरक्षण के हिसाब से मिलेंगे ना वैकेंसी, उसमें भी कट कर रहे हैं बताओ भाई। आरक्षण के हिसाब से तो दीजिए, कहाँ है रोजगार आप बताओ? ताऊ है मेरे साथ, ताऊ द्वारा से कोई बात कहना चाह रहे हैं अपनी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ज्यादा TN सेशन ने पर्चे पत्र बनाना शुरू किया था जी, वो अभी तक बन रहे हैं। और अब BJP ने बनवाया कौन सा कार्ड बना रहे हैं? आधार कार्ड, नया जीवन, नया कार्ड, नई पहचान। मगर अब वो नई पहचान या तो बैंक में मिलेगी या मिलेगी डाकखाने में, वो भी 300 रुपए देने के बाद। जब TN सेशन ने अभी तक पर्चे पत्र स्कूल में फ्री बनते हैं, तो ये कौन सा नया कार्ड नया पहचान है? ये गरीब का संशोधन है क्या है? जरूर कोई योजना निकाली है तो कुछ फायदा होगा ना उसका। योजना 300 रुपए गरीब की जेब से जाने के बाद
और हक बनता है सरकार का, तो टीएन शेषन ने भी तो बनाया था पर्चे पर, वो भी तो नया कानून बनाया था उसने वोट के लिए, तो ये किसके लिए? जो गरीब के मूड क्या है, मूड क्या है? मूड कुछ नहीं है, मूड तो यही है कि तन पे कच्चे नहीं है तो मूड क्या रहेगा? पेट में खाना नहीं, तन में कच्चे कपड़े नहीं, बनिया को भर दिया बाजार, तीन की चीज 30 में बेच रहे हैं। योगी जी के विकास पे कितने नंबर दोगे? योगी जी के विकास पे 0-0। ज्यादा परेशान हो? नहीं, बहुत ज्यादा। देखो बीजेपी, हाँ, और बीजेपी कल चली जाएगी, परसों पहन लूंगा। मतलब बीजेपी को वो हटाने के लिए आपने चप्पल त्याग दी है? हाँ, बीजेपी कल चली जाएगी, शासन में चप्पल पहनूंगा, नहीं जाएगी तो फिर नहीं पहनूंगा। भाजपा को कितने नंबर देंगे? भाजपा को 0 देंगे। सपा मधुसूदन शर्मा जब विधायक बने थे तो अन्नोटा वाला पुल जब हम एंट्री करते हैं वो मधुसूदन शर्मा की देन है, ऐतिहासिक विकास कराया मधुसूदन शर्मा ने। भाजपा का ये एमपी से और उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं पिनाट वाले पुल को, वो अभी तक नहीं बनाया, दे गया वो खड़े हैं खाली पिलर, हर बार चंबल आती है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। भाजपा का विकास ये है, 50 साल में मरेंगे, जब तक हम बूढ़े हो गए ऊपर चले जाएंगे। राम राम सत्य जय जागे। यहाँ कितने लोग हैं जो भाजपा के साथ में हाथ उठा दे रहा? भाजपा के साथ वाले लोग कितने हाथ उठा दें? भाजपा संघ को भैया हाथ उठाओ, अकेले हैं। और समाजवादी पार्टी संघ कौन कौन है भैया? और सपा के साथ कितने लोग हैं? समाजवादी पार्टी सब यही। तो ये देखा आपने, बिल्कुल जिस तरीके से भाजपा जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की जो बात कह रही है, तो यहाँ साफ तौर से ये बाह विधानसभा में जो हमने लोगों से बात की और जानकारी ली, उन्होंने साफ तौर से यहाँ भाजपा का जो जनाधिकार है घटता दिखाई दे रहा है, और समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में यहाँ जोरदार टक्कर दिखाई दे रही है। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव की तारीखें जो तय हो चुकी हैं, और जैसे जैसे तारीखें तय होने के बाद में समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी धड़कनें बहुत तेज होती जा रही हैं। वहीं इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम जनता के बीच आ चुके हैं, और यहीं जनता से हम जान लेते हैं कि जो हमारा आगरा का जो ग्रामीण विधानसभा है वहाँ जनता के लिए जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ काम कराया है, और ये इनसे ये बात कर लेते हैं और ये जानते हैं कि ये जनता जो आगरा से, आगरा के 9, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आगरा से 9 के 9 विधायक बीजेपी से थे और 2 सांसद भी थे, पूरा प्रतिनिधिमंडल बीजेपी से था। उसके बाद देखते हैं जनता कितना खुश है, आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ जनता से और जनता के बीच मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रूप सिंह वर्मा। जिस तरह आगरा के 9 विधायक 2 सांसद हैं, और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ वोट बहिष्कार का जो एक वोट चस्पा कर दिया है, ऐसा क्यों है? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ तक, कोई भी आएगा वोट मांगने के लिए कोई भी नहीं आया, और जब से आएगा जीते हैं जब से कोई भी नहीं आया। 5 साल के अंदर यहाँ आगरा, यहाँ आपका जो ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ से हेमलता दिवाकर जो विधायक आए हैं, अब तक 5 साल में कभी नहीं आई? कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है, हमने कभी नहीं देखा उनको, और जब ही आई थी वोटों के टाइम पे फिर नहीं आई। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार फिर एक बार बहिष्कार होगा? बहिष्कार होगा, बहिष्कार कर रहे हैं आप, वोट बहिष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आपका अधिकार है, आप बहिष्कार क्यों कर रहे हैं वोटों का? क्यों, हम नहीं डाल रहे, हमारी इच्छा नहीं, काम नहीं हो रहा है तो हम देखो रास्ता है क्या है, किसको डालेंगे, कोई पार्टी है आइए की। क्या नाम है? मेरा नाम भजनलाल लोधी है। जिस तरह आगरा में आपकी ये ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ से बीजेपी की विधायक और जो हेमलता दिवाकर हैं, उन्होंने पत्रकारी खेड़े में हेमलता दिवाकर से पंचायत में वहाँ कहा था कि बहन जी हमारे गांव के अंदर जब से आप चुन करके गई हैं, जब से आपने किसी को धन्यवाद तक नहीं दिया, ना ही गांव की तरफ कभी मुड़ करके आपने देखा है, तो हमें हमारे गाँव के अंदर अब की बार चुनाव बहिष्कार हो रहा है। तो उन्होंने कहा तो चुनाव बहिष्कार कर रहे हो तो करो, मुझे क्या वोट थोड़े ही दिया है, बीजेपी पार्टी को वोट दिया है, इसलिए ये चुनाव बहिष्कार हम कर रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। जिस तरह तो आपने पूछा नहीं, अगर बीजेपी से है तो आप बीजेपी से ही विधायक है? हाँ, बीजेपी से ही हैं, कह रही थी मैंने बहुत विकास कराया है, मैंने आप चल करके देख लो, फिर हमने ये कहा था कि अब तो समय नहीं है,
तो समय नहीं है तो हमने चुका 50-40 ट्रक ट्रैक्टर मट्टी के गिट्टी के मिल मारे ऐसी तो डाल दो जहाँ के आदमी पैदल निकल सके, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं सुना। चलिए मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। लोगों में काफी रोष है, बहुत परेशान है, और यहाँ विकास के नाम पर डाके तीन पार नजर आ रहे हैं। मैं एक मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह जी। दीवान सिंह जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ आगरा की जो ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ हम मौजूद हैं, आप लोग यहाँ हमारे साथ हैं, तो ये बताइए यहाँ वोट बहिष्कार का आप लोगों ने क्यों बैनर लगा रखा है? ये हमारा अधिकार है जी, वोट देने का अधिकार है, तो हमें बहिष्कार का भी अधिकार है जी। सिर्फ 50 से मैं दिख रहा हूँ, जितने भी विधायक यहाँ से लड़े शायद किसी ने कभी कोई विकास नहीं किया। एक ही समस्या नहीं, हमारे समस्या बहुत है। बिजली की समस्या है, पानी की, गैस की, रोड की, खंजा की, कोई समस्या आज तक किसी। आप कैसे कह सकते हैं गैस की समस्या? योगी जी ने तो गैस सिलेंडर फ्री में दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कहना एक आध दो व्यक्ति को मिला है, बाकी बहुत से लोग हैं जिनको मिला ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। गैस सिलेंडर दिए तो पैसा काम का तो भरवा के लाए, कहाँ करें हम तो सिलेंडर रीत लेके बैठे रहे। सिलेंडर देने के बाद गैस तो आप ही भरवाएंगे ना? हाँ, तो पैसा यही तो गरीब आदमी है, सिलेंडर लेके बैठे हैं। अब अतीना ईंधन गंदा तो रोटी का करे, और रोड गिर गिर जा रहे हैं, हमारी आँख फूट रही है, लेके कोई सामान जा रहे हैं, और बड़े बूढ़े हम तो बता रोड नहीं है तो कहाँ करे, हम कैसे निकल के आए स्कूल में? सरकार ने देखो हमारी यहाँ का भी, हम नहीं गिर गए थे, राशन लाए थे हम, गिर गए थे हमारे आली आल, हमारे बच्चे ले गए हमें दिखाने के लिए, पैसा है नहीं, बताओ गांव पे तो हुआ है कि नहीं, जब हमने आंख बनवाई है अपनी। नुमाइंदा कोई विधायक या कोई आज तक आया नहीं, आज तक नहीं आज जीतने के बाद हमारी विधायक आए हेमलता दिवाकर, वो आज तक इस गांव में कई बार हमने आमंत्रित किया, आई नहीं। डबल इंजन की सरकार है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? डबल इंजन की सरकार है, केवल वोट के लिए है, काम के लिए नहीं है। हमारे गांव में जो विकास है उसे कराइए, हम मानेंगे। अगर आपको सहयोग मिल जाए, अगर हमारी बात अगर आप पहुंचा दे सेंटर तक, तो धन्यवाद देते हैं हम आपको भी, आपके चैनल को। बिल्कुल, मैं आप यहाँ लोगों में बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा रोष है, मैं और भी बात कर लेती हूँ। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू पंडित है, मैं ग्राम प्रधान हूँ यहाँ का जी। प्रधान जी, आप यहाँ के प्रधान जी, आपने बताया मुझे, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ही जान लेती हूँ कि आप प्रधान थे तो आपने विकास क्यों नहीं कराया? बिल्कुल कराया, बिल्कुल कराया, लेकिन जितना शेष जितना मेरे फंड में था उससे ज्यादा जितना मैं कर सकता था उतना किया। और जो मैडम जितना क्षेत्रीय विधायक सांसद जितने लोगों को जो अवगत करा सकता था उन सबको मैंने अवगत भी कराया, लेकिन मुझे लगता है चमरौली केवल वोट मांगने के लिए है, बाकी इसको लिस्ट में से रखा नहीं उन्होंने विकास कार्य में। क्या हम यहाँ पर ना तो किसी जाति विशेष की बात कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हमें विरोध है सिर्फ अपने विकास का, जिसके लिए ना तो आज बीजेपी रही हो या इससे पहले और भी कोई रहा हो, कोई भी वोट अगर इस गाँव में किसी विधायक सांसद या किसी पार्षद चलो अभी आइए, पार्षद ही हम नहीं बात करेंगे, ये आप क्षेत्र पंचायत या ग्राम निधि या जो भी है किसी का भी, जिला अध्यक्ष का किसी का अगर एक बोर्ड आप इस गांव में ढूंढ के बताएं। प्रधान जी का साफ तौर से कहना है कि हमने अपनी निधि से काफी विकास कराया, क्या कह देंगे? नहीं, ये मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं। प्रधान जी ने अगर कराया हो तो अपने दरवाजे पर तक विकास कराया होगा। मैं घर पे आज तक किसी सामाजिक में खरंजा गाँव का चौक पर था कहीं कराया हो, आज तक मेरे गांव की तो मराठी हुई है, उनको भी जगह गिली है, यानी जितने भी लोग हैं मराठी घेर रहे हैं उनका भी आज तक दिखाया। प्रधान जी ने सब दिखाए, रोड और दिखाते हैं, हम स्कूल में काम करते हैं, प्रधान जी सबको दिखाते हैं पर वो लिख के ले जाते हैं पर करते नहीं है, तो क्या करे प्रधान जी की भी नहीं सुनते, नहीं सुनते हैं जी। बिल्कुल, यहाँ काफी रोष है, और मैं अपने कैमरा मैन पर्सन से कहना चाहूंगी कि जरा दिखाएं कि यहाँ किस तरह का विकास है, यहाँ की जनता इतना ज्यादा परेशान है, तो मैं दिखाना चाहूंगी किस तरह का यहाँ चमरौली में कैसा विकास है। ये ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ से जो विधायक हैं, जो हेमलता दिवाकर हैं, और यहाँ साफ तौर से यहाँ वोट बहिष्कार का एक ये बैनर लग गया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये गांव की ये जो मेन रोड है, इससे ही लोगों का गांव के अंदर आवागमन है। तो देखिए किस तरह यहाँ, देखिए मैं ये दिखाना चाहूंगी जो बैनर लगा है, उस बैनर पर तीन ये जो बैनर लगा है, मैं इस बैनर पर ये दिखाना चाहूंगी कि किस तरह ये इन्होंने जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के जो बीजेपी की हैं, और सबसे बड़ी खास और बड़ी बात डबल इंजन की सरकार होने के बाद, और ये तीन प्रतिनिधि हैं, और अरे तीनों लोग ही यहाँ बीजेपी के हैं। बिल्कुल, अब मैं दिखाना चाहूंगी जिस तरह ये राजकुमार चाहर जी का है, ये भी सांसद है यहाँ के, और ये भी बीजेपी के से है, और देखिये ये नवीन जैन, ये मेयर हैं,
और ये मेयर भी यहाँ बीजेपी के, और देखिए तीसरी हेमलता दिवाकर ये विधायिका है यहाँ की, और देखिए तीनों होने के बाद बीजेपी की और डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहाँ किस तरह लोगों में रोष है, कितना विरोध है, यहाँ की जो जनता है कितना परेशान है। यहाँ मेरे साथ कुछ महिलाएं भी चमरौली की मौजूद हैं, ग्रामीण विधानसभा में मैं आई हूँ, मैं इन महिलाओं से भी पूछ लेती हूँ कि इनकी क्या समस्या है। इन्होंने जो 2017 में इन्होंने जो हेमलता दिवाकर थी जो महिला थी, महिला को देखते हुए इन्होंने जो इन्होंने वोटिंग की और उन्हें जिताया पूरे बहुमत के साथ में, तो उन्होंने क्या कुछ इनके यहाँ विकास कार्य कराए, कितना खुश हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पीछे पहले की जो विधायिका हैं जो उनसे कितना आप खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है आप? तो कुछ है नहीं है, न रोड है, न गली है, न पानी के साधन है, न नाली का साधन है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है, योगी सरकार के द्वारा साफ तौर से कहा जाता है हमने तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी, आपके यहाँ विकास क्यों नहीं? यहाँ पर नहीं है। आपके यहाँ नहीं है? नहीं। कभी विधायिका जी से कभी बात करी आपने? नहीं करी है, नहीं करी है। कोई आवे जब ही तो करेंगे, हम तो करेंगे बात जब कोई नहीं करती है। नहीं है वो यहाँ इलेक्शन में जीती, जब से आई नहीं है यहाँ पर, नहीं आए कोई, नहीं आए कोई, नहीं आए एक भी नहीं आए, एक भी बार नहीं आई, कोई नहीं आए, सुनने नहीं आता, नहीं 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 कोई आता नहीं है। दरवाजे में पानी भरो, नाली सब यो ही डरी है, रोड यो ही डरो है, सब तो कीच होती है जो गिर जाती है, और बेचारे लौट जाते, गेल आ रहे लौट जाते है। हाँ सरकारी स्कूल, हाँ रोड के मारे सब लोग। ये मेरे साथ माता जी मौजूद है, ये कह रही है कि बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है रोड की वजह से, देखते हैं इनसे बात। हाँ दीवारी बात कह रहे हैं, कीच देखे समस्या देखे, कोई कह देते हैं हम लड़कियों की शादी, लड़के की शादी कैसे करेंगे, रोड नहीं है, रोड नहीं है सही, तो रोड की वजह से शादी भी नहीं करते, नहीं नहीं करते, भग जाते हैं, कहते तुम भोजन हमें अच्छा खिला रही है घर में, छोड़ छोड़ के बहू भी चली जाते हैं, लड़कन ने छोड़ जाते हैं, लड़कों को छोड़ जाते हैं, नहीं गई हमारी, इनकी गई है, इनकी गई है, एक महीना का छोड़ गई मेरी बहू रोड के पीछे। आपकी बहू आपके बच्चे को गांव छोड़ के चली? हाँ गांव छोड़ के चली गई मैडम, सब लोगों से पूरे पूरे गांव में मालूम है मेरी की। क्या हुआ, क्या था, क्या हुआ था? मेरी बहू दो मतलब जापे से उठी थी, कह रही आप मम्मी पानी वल्ला है, रोड पे गिर गई पानी को लेके। हाँ बज्जी बात है, समझता जी है कि हम नहीं जा रहे उस गांव में, हम तो दूसरी शादी करेंगे, उसमें ज्यादा कीच होती है, तो यही ये वो बच्चा है इसको छोड़ के चले। हाँ यही बच्चा है। और हम देखिए साफ तौर से यहाँ कितना दर्द है महिलाओं के अंदर भी, कि ये जो माता जी थी मेरे साथ, इन्होंने बताया कि एक महीने के बच्चे को इनकी बहू छोड़ के चली गई क्योंकि वो पानी में गिर गई थी, एक महीने का बच्चा, महज एक महीने का बच्चा था। मैं और भी मैं जो महिलाएं हैं मैं उनसे बात कर लेती हूँ। महक देवी जी, महक देवी, महक देवी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ योगी सरकार से कितना आप खुश हैं? अब तो नए को कुसना है, नाली मोरी कचु अतना है, कहा सुखो कुसो है, पानी भरो रहे तो कचु सुविधा ना है तो कहा कुसा है, कचु कुसना है, मतलब सुविधा होनी चाहिए यही तो खुश रहेंगे। योगी सरकार ने तो महिलाओं के लिए राशन फ्री दिया है, सिलेंडर फ्री दिए हैं, सिलेंडर जी हमें ना दो सिलेंडर फ्री, ना मिला, हाँ नहीं मिला, नहीं 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 मिला, यही नहीं है हमारे पास सिलेंडर, ना मिला, ना मिला, नहीं मिला, नहीं मिला जी, ना वह तो मिलेगा, आपको मिला? हाँ मिलेगा। हाँ यहाँ इतनी महिलाएं हैं, चार पांच छह जो भी हैं, इनमें इनमें सिर्फ एक महिला को सिलेंडर मिला है जी। अच्छा योगी सरकार के जिस तरह जो कार्य हैं वो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहा दी, काफी विकास हुआ है, आपके यहाँ क्यों नहीं विकास हुआ? हमारे यहाँ तो कचूना है, विकास है रहो कम अंत दुनिया में, यहाँ कचूना है रहो, ना नाली ना मोरी ना सिलेंडर ना पेंसिल, कचूना है हमारे यहाँ तो, का है कचूना, पानी भर रहा दरवाजे ना, कचूना है हमारे यहाँ, कचूना है हमारे यहाँ तो, पीछे नाली बनवाए दो, खूब वोट देंगे, कहेंगे तही देंगे, और नाली और रोड बनवा दो, पहले नाली और रोड और बाद में वोट। अच्छा एक बात बताइए मुझे, इस बार फिर आप किसको वोट देंगे? वोट देंगे जो नाली बनवावे वो सड़क बनवावे वो जाए वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे? हम बीजेपी हो चाहे कोई हो, हमारे कहा नाली बनवा दे, सड़क बनवा दे, हमारे कहा सुविधा करते बाय देंगे वोट, नहीं हम ना दे रहे का वोट, हमारी सुविधा होगी बाय देंगे वोट, हम ना दे रहे का यहाँ मेरे साथ इतनी महिलाएं थी इस गांव की,
इन्होंने साफ तौर से कहा कि जब तक हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमारे रोड नाली खरंज जो पानी की अन्य समस्याएं और ये पूरी नहीं हो जाती। और यहाँ जो महिलाओं ने ये भी बताया कि जो उजाला योजना है योगी जी की, हमें कोई भी योजना नहीं मिली है। यहाँ ग्रामीण विधानसभा से यहाँ जो भावी प्रत्याशी हैं, जो लोग बल्कि वो भी आ चुके हैं और ये जनता से बात कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों के लोगों से, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और साफ तौर से ग्रामीण यहाँ उनसे वोट बहिष्कार की बात करके उनसे गांव से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रही है। तो आइए हम उस प्रत्याशी से बात कर लेते हैं और जनता से बात करते हैं कि ये क्या है पूरा मामला। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम महेश कुमार जाटव है। जी जी सर, आप यहाँ गांव में वोट मांगने आए हैं और यहाँ के गांव की जनता बड़ा परेशान है और यहाँ जो इनकी समस्या है उसको लेकर के बहुत ज्यादा त्राय त्राण मचा रही है, यहाँ लोग गिर जाते हैं। यहाँ की महिलाओं से जब हमने बात की तो यहाँ की महिलाओं ने बताया कि हमारे घर की बहुएं भी हमारे परिवार को छोड़ के चले गई। तो इनकी जो समस्या है, आप वोट मांगने आए, क्या आपके आगे इन लोगों के प्रति प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले 2015 में यहाँ से जिला पंचायत का मेंबर बना गया और मैंने यहाँ के लोगों से वादा किया कि मैं अगर सबसे पहले अपने विकास कार्य की शुरुआत करूँगा तो मैं यहाँ चमरौली गांव से करूँगा और सबसे अगर पहला मेरे ईंट एक गिट्टी भी पड़ी, रोड बनी जो भी है, सबसे पहले मैंने ये यहाँ रोड बनाई। यहाँ पर दूसरी रोड मैंने इस साइड में आगे जाके इसी रोड पर अंदर जाके दो प्रस्ताव पास कराए। उसके बाद विडम्बना ये रही कि ये नगर निगम में चला गया। सर जी, इनका कहना नेता जी आए तो हमें वोट मांगने आए हैं, वोटों का सिलसिला जारी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या इनकी बात सही है? जी मैम, मैं बताऊं, देखिए ये नेता जी जो आज आए हैं ये किस सन में रहते, ये जिला पंचायत सदस्य, ये बताएं 5 साल पहले या 7 साल पहले मेरे अंदर से या 10 साल पहले रहे होंगे, ठीक है? 10 साल पहले ये नेता जी रहे, तो नेता जी ने एक साहब उधर थोड़ा सा ये खरंजा इन्होंने करवा दिया, उसके बाद भी ये देखिए हमारी नज़रों में जो जनता की नज़रों में वो एक ही है, आपके नब से आप बता रहे दो हैं, तो उसके बाद नेताजी कभी नहीं आए गांव में। नेताजी को भी कई बार चक्कर का है, नेताजी ने भी चौखटे का कई बार भ्रमण किया है, गांव में आते जाते रहे नेताजी भी, शादी ब्याह में उनमें, लेकिन नेताजी ने कुछ देखा नहीं उससे पहले। आज जब हम लोग यहाँ बहिष्कार करने आए तब नेताजी हमारे सामने आए हैं। बिल्कुल जनता का यह मानना है कि नेताजी ने जो रोड का जो बात आपने कही, आपने एक रोड बनवाए बजाय दो के, तो क्या इस बार आप जनता का मन और विश्वास जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम जीतेंगे। ऐसा है, ये सरकार, हम तो विपक्ष में थे, सरकार जो 5 साल से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी जिम्मेदारी थी, यहाँ से सांसद चुन के गए, यहाँ से विधायक चुने गए और यहाँ अब नगर निगम में आने के बाद जो अतिरिक्त फंड आया था, जो ग्राम पंचायत हैं नगर निगम में जुड़ी थी उनके लिए अतिरिक्त विकास के लिए पैसा आया, जो पैसा सही जगह से उपयोग नहीं हो पाया, उसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं। बाकी का ये है कि हम यहाँ से, हमें मौका मिलेगा और हम जीत के जाएंगे, दोबारा जैसे ही हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले हम विकास कार्य यहाँ चमरौली गांव से ही शुरुआत करी थी हमने पहले भी, और फिर दोबारा आने वाले समय में भी हम इसी गांव से अपनी ईंट लगाने का काम करेंगे, पूरा चौखट्टा एक एक ईंट बना करके। और आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि सरकार बन रही है गठबंधन की और हम यहाँ पर काम कराएंगे, पूरा बहुत बढ़िया काम कराएंगे जनता का। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ बहुत भाई मौजूद, मैं इनसे बात करती हूँ, क्या आपका विश्वास जीत पाएंगे नेताजी? देखिए नेताजी, मेरा ये कहना है कि जनता इस समय आक्रोश में है और बिल्कुल पूरे चुनाव के विरोध में है, तो इस बार जनता से नेताजी से निवेदन है कि कृपया करके आप जीत जाएंगे या ना जीते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, चुनाव बहिष्कार में पूरा गाँव। जिस तरह की देखा जा रहा है लगातार कल से ये सिलसिला दौर जारी हो चुका है कि बीजेपी के मंत्री और प्लस विधायक अपना अपना इस्तीफा देने को तैयार हो गए, क्या इसी को लेकर के, इसी लहर को लेकर के, इसी बात को लेकर क्या आपने भी ये चुनाव बहिष्कार का मन बनाया? देखिए वो एक प्रदेश लेवल का मामला है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी में से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मुझे तो मेरे क्षेत्रवासियों की चिंता है, मेरे जो क्षेत्रवासी हैं, मेरे यहाँ के जो ग्रामवासी हैं सभी नाराज हैं। मैंने घर घर जाके सभी से सलाह ली, जाके पूछा कि भाई चुनाव बहिष्कार क्यों कर रहे हो, पर लेकिन इसको बात को मानने के तैयार नहीं है पूरा गांव, जनता पूरे चुनाव। अच्छा, चुनाव को बहिष्कार को की बात को कब खत्म करेंगे, क्या कुछ समस्या का क्या समाधान रहेगा, क्या कुछ रहेगी आपकी बात?
हाँ, चुनाव की ये विरोध जो चल रहा है सिलसिला अभी जारी है, ख़त्म कर देंगे दो चार दिन के अंदर, ये समस्या का समाधान कर दें, रोड वोड डलवा दें और बाकी की अच्छा हो जाए आने जाने के लिए पैदल भी आदमी। क्या नेताजी से उम्मीद है कि आप ये रोड डलवा देंगे? देखिए, हमें तो अभी किसी से उम्मीद नहीं है, कुल मिला के ये है पूरी जनता विरोध में है, चुनाव करना ही नहीं है। नेताजी, ये इनका जनता का कहना है कि 7 वर्ष से अगर यहाँ जो भी रोड चुनाव से पहले जो रोड डलवाएगा उसी को हम वोट। देखिए, चुनाव से पहले मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं तो नहीं डलवा सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से अभी एक साधारण आदमी हूँ, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और जब जिम्मेदारी मिलेगी मैं तो उसी समय काम करा पाऊँगा। बाकी के भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सांसद हैं वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान में नगर निगम के मेयर हैं और वर्तमान में सरकार चल रही है, उन लोगों की जिम्मेदारी, उनको कार्य करने चाहिए थे जनहित के। और ये नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सारे सड़कों की बुरी हालत है और आप तो, ये तो एक गांव की समस्या है। आगरा के अंदर NH3 जो ग्वालियर रोड पर है, जहाँ माननीय सांसद जी का एक बोर्ड लगा हुआ है कार्यालय, उसकी कितनी बुरी दयनीय हालत है, उस पर घोंटू घोंटू गड्ढे हैं, पानी में सड़क है, गड्ढे में सड़क है, वहाँ पर भी बुरी हालत। धनौली के अंदर देखिए क्या, कितनी बुरी हालत। देखिए, जब तक हम सरकार के प्रतिनिधियों को यहाँ तक नहीं बुला लेंगे तब तक हम किसी भी कीमत पर चुनाव बहिष्कार की बात नहीं मानेंगे। जब तक हम चुनाव बहिष्कार का नारा लेके बैठे हैं, चुनाव बहिष्कार हमें करना है, सरकार आए, अपने प्रतिनिधियों को भेजे, इस समय जो माननीय सांसद है वो यहाँ आए और जो हमारे मेयर साहब हैं, जो माननीय मेयर साहब हैं नवीन जैन जी, वो भी यहाँ आएँ और हमारी जब तक समस्या दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपना एक ही नारा लगा के रहेंगे, चुनाव बहिष्कार। और जितने भी जो इस समय जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं नई नई पार्टियों से, सबसे सबको हम आगे से अपनी गांव में, अपने गांव की सीमा में काला झंडा दिखाएंगे, अपने गांव में प्रवेश भी नहीं करने देंगे, जिससे भी कि कोई भी प्रतिनिधि यहां आकर वोट ना मांगे। जिस तरह की पिछले समय में विधायिका बीजेपी से रही थी, तो आप बीजेपी का विरोध करेंगे कि सभी पार्टियों का? सभी का, क्योंकि सभी ये झूठे वादे करते हैं। हमने देखा है, आज हम 35 साल के हो गए, हमारी एज 35 साल की हो गई और 35 साल से हम ये देखते रहे हैं कि कितने भी विधायक आए, कितने भी पार्टियां आई, कभी सपा, कभी बसपा, कभी बीजेपी, कभी कोई पार्टियां, कभी नई नई पार्टियां, लेकिन सभी ने झूठे वादे किए हैं। कोई आदमी यहाँ कभी भी खड़ा नहीं उतरा, बस केवल क्या है, अपना हित साधता है, थोड़ा बहुत कुछ करवा दिया, उसके बाद कुछ नहीं। आज हमारे गांव की वो स्थिति है, गांव हमारा नंबर 1 राजपूतों का गांव, चमरौली गांव राजपूतों का गांव, पढ़े लिखों का गांव, और उसके बाद बावजूद भी आज उसकी ये दशा है कि बस से बदतर, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं, और इतनी बस से बदतर जो दशा है इस गांव की, इससे ज़्यादा किसी भी गांव की दशा बस से बदतर नहीं है। इस गाँव में डॉक्टर, इस गाँव में वकील, इस गाँव में मैनेजर, इस गाँव में आर्मी वाले, इस गाँव में पुलिस वाले, इस गाँव में हर विभाग में इस गाँव के लड़के और इस गांव के बच्चे आज टॉपर हैं, NDA भी कर चुके हैं इस गांव के लड़के, NDO में भी सिलेक्शन होकर, लेकिन इस गांव की स्थिति है वो सबसे बस से बदतर है। तो हमें क्या कहना, जब तक आपके बीजेपी के विधायक, मेयर, सांसद नहीं आते जब तक आप कोई भी फैसला नहीं लेंगे? जी, जब तक हमारे गाँव में जो मौजूदा जो माननीय विधायक जी हैं और माननीय सांसद जी हैं और मेयर साहब हैं, जब तक वो नहीं आएंगे और हमारा काम नहीं करेंगे और हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम क्या किसी जनप्रतिनिधि से आपने अपनी बात रखी? हमने इससे पहले 500 बार जनप्रतिनिधियों से अपनी बात रखी है, जगह जगह प्रार्थना पत्र दिए हैं, लिखित में एप्लीकेशन भी दी हैं और हर जगह गए हैं, हर विभाग में गए, हम नगर निगम तक में गए हैं। ये जो चल रहा है इस समय आप देखिए हमारे गाँव में सीवन उपर रहे हैं, हमने लड़के इस पानी को अपने हाथों से करते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं जब 50 बार अगर आप अपने जो विधायक जी हैं, जो मेयर साहब हैं, जो सांसद जी हैं, उनके 85 चक्कर काट चुके, क्या उम्मीद रखते हैं क्या आपके पास इस बार सुनने आएंगी आपकी? बिल्कुल, हमको ये उम्मीद है, आप हमारी बात विधायक जी के बाद जो हमारे CM साहब हैं माननीय योगी जी, आप वहाँ तक हमारी बातें पहुँचाएंगी तो योगी जी सुनेंगे, योगी जी नहीं सुनेंगे तो मोदी जी सुनेंगे और उनसे बड़ा कोई है भी नहीं, अगर वो भी नहीं हमारी बात सुनेंगे तो फिर जो अपने काम में सही है। योगी जी, योगी जी तो अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे, योगी जी क्या विधायकों से कहेंगे? तो हम उनको फिर अपनी वोट से बताएंगे बाद में, हम क्या कर सकते हैं, हम बहिष्कार करेंगे, जो हम पे होगा वो हम करेंगे, फिर हम अपने हाल में सही है। बिल्कुल साफ तौर से यहाँ लोगों का मानना है कि यहाँ चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ये देखते हैं क्या बीजेपी के विधायक या अन्य पार्टियों के कोई नेताजी या अपनी बात से जनता का विश्वास जीत पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। आगरा से ममता भारद्वाज, Prime TV News। तो आपने
जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।